खेतड़ी में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रवासी विधायकों ने पीसी करके हाड़े हाथों सरकार को लिया। विधानसभा खेतड़ी में पिछले एक सप्ताह से कार्यकर्ताओं से मंथन व फीडबैक लेने के लिए उत्तर प्रदेश के नुक्कड़ सहारनपुर के भाजपा विधायक मुकेश सुद्दी ने राजस्थान की अशोक गहलोत पर सरकार को आड़े हाथों लेते कई आरोप लगाए। वही आज पिछले विधानसभा से 2018 के हमारे प्रत्याशी रहे इंजीनियर धर्मपाल सिंह जी और इस विधानसभा के संयोजक भाई शेर सिंह निर्वाण जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष विद्याधर सैनी जी और हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जी, और मैं सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार करता हूं। और मैंने जैसा राजस्थान में आकर महसूस किया कि आज राजस्थान के अंदर जो सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, उस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा करने का काम किया। राजस्थान के अंदर जो सरकार है वो पूर्णतः किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्रों के विरोधी है, खिलाड़ियों के विरोधी है। जनता के हर काम को उसने ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जो वादा उन्होंने 2018 के चुनाव में किए थे, वादा खिलाफी उन्होंने बहुत किया है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 2018 में कांग्रेस ने, कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और कर्जा माफ तो नहीं किया, लेकिन 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई और किसानों ने आत्महत्या इस राजस्थान के अंदर की है। उन्होंने 2018 में जब हमारी सरकार का अंतिम समय था, मतलब कि हमारी मुख्यमंत्री थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, उससे सरकार चुनाव होने से पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपये सहकारिता का जो एक ऋण होता है उसको माफी देने का काम किया था। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, इसने देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले किए हैं। आज ये नाम बदलने का काम कर रहे हैं गठबंधन का, क्योंकि जो इनका गठबंधन था वो सबको पता था यूपीए का मतलब सबसे बड़ा घोटालेबाज गठबंधन। अब ये नाम बदलने से कोई चेहरा थोड़ा बदल जाएगा, चेहरा तो वही रहेगा। तो जिस तरह इन्होंने भारत के अंदर, भारत की सरकार में 2004 से लेकर 14 तक बड़े घोटाले किए, ऐसे ही इन्होंने राजस्थान के अंदर बड़े घोटाले करने का काम किया। बेरोजगारों के साथ इन्होंने वादा किया था कि हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 रुपया भी बेरोजगारी भत्ता इन्होंने 5 साल में किसी भी नौजवान को देने का काम नहीं किया। इन्होंने वादा किया था सरकार में आने से पहले, यदि हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 9 बार बिजली की दरें राजस्थान में बढ़ाई और आज राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगी बिजली यदि कही है तो राजस्थान के अंदर है, और सबसे ज्यादा उत्पादन जैसा मुझे बताया गया है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन है। और इन्होंने राजस्थान को देश में पहला राज्य बना दिया इस कांग्रेस की सरकार ने। डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये उत्तर देश में पहला राज्य है जो डीजल, पेट्रोल और बिजली सबसे महंगी है। इसी प्रकार इन्होंने महिलाओं का, आप आए दिन मेरे पत्रकार भाइयों, आप लोग छापते हो, देखते हो कि आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आए दिन दलितों का उत्पीड़न होता है, आए दिन जो है राजस्थान में गुंडागर्दी होती है, खुलेआम गोलीबाजी होती है। प्रशासन और पुलिस नाम की कोई चीज यहां नहीं बची है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो गुंडे हैं, जो माफिया है, उनको खुली छूट दी हुई है। वो लोग आम जन को परेशान करने का काम करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न, बलात्कार करने का काम करते हैं, महिलाओं और दलितों का बहुत भारी संख्या में उत्पीड़न इस प्रदेश के अंदर हो रहा है। सर तन से जुदा गैंग यदि कही है तो वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की सारेआम गला काटकर हत्या कर दी जाती है, पूरा देश संसार होता है कि आज भी ऐसा एक प्रदेश हमारे देश में है जिस प्रदेश में सर अलग कर दिया जाता है और यहाँ की सरकार गुंगी बहरी सरकार सोती रहती है। और साधु संत भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। साधु संत इतना अवैध खनन इस राजस्थान के अंदर है कि साधु संतों को यहाँ आंदोलन करना पड़ता है, आत्महत्या करनी आत्मदाह करना पड़ता है। ये बहुत ही शर्म की बात है।
मैं कहना चाहता हूं, मैं पिछले 8 दिन से खेतड़ी विधानसभा में घूम रहा हूं, सड़क नाम की कोई चीज यहां पर नहीं है। यहां पर पिछले 5 योजना से कांग्रेस पार्टी का विधायक है, मंत्री है, और जिस तरह से 5 योजना से लगातार कोई आदमी यहां से जनप्रतिनिधि है, यदि 5 योजना लगातार कहीं मिल जाए तो मेरा मानना है कि उस विधानसभा में सड़कों का ऐसा जाल होना चाहिए कि पानी का गिलास यदि गाड़ी में रख दे तो वो भी ना छिलके। और यहां तो सड़क नाम की चीज बची ही नहीं है, इतनी खराब व्यवस्था। मैं आपके पास आने में लेट हो गया इस वजह से कि सड़क ही नहीं है और बहुत खराब व्यवस्था। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, इतनी सुंदर सुंदर सड़कें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे बनाई है कि आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। इस राजस्थान में खेतड़ी, राजस्थान की इस खेतड़ी विधानसभा में अवैध खनन का बड़ा कारोबार होता है। 42 प्रकार की माइनर मिनरल और 22 प्रकार के मेजर मिनरल यहाँ उपलब्ध है, और यहाँ पर बड़े बड़े खनन माफिया सरकार के संरक्षण में अवैध खनन कर रहे हैं, चाहे वो बजरी का हो चाहे वो पत्थर का हो। यहाँ पर खेतड़ी में चिकित्सा के लिए पिछले लंबे समय में यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पर चिकित्सा के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं दे पाए हैं। यदि किसी को मेजर बीमारी हो या अटैक आ जाए तो यहाँ पर उसका कोई इलाज नहीं। यहाँ के हॉस्पिटल सिर्फ बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई और बदन में पीड़ा होने की सिर्फ दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ से सीधा मरीज को बाहर जाना पड़ता है। बिजली की व्यवस्था बिल्कुल 4 से 5 घंटे 6 घंटे मुश्किल से गांव में आती है, इतनी बुरी व्यवस्था बिजली की यहाँ पर है। केंद्र सरकार द्वारा एक जल जीवन, सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है पानी, पानी यहाँ नहीं है। पानी हर घर जल योजना एक मोदी जी ने चलाई और उसके लिए मोदी जी ने 27,000 करोड़ रुपए पिछले 2020 में जारी किए थे, राजस्थान सरकार को दिए। मात्र उसमें से आज 3 साल हो गए 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है सरकार। इतनी धीमी गति से उस योजना को चला रहे हैं, उस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उस योजना के अंदर गांव-गांव में देख रहा हूं कि गांव में अभी भी जो है पूरा काम इन्होंने नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल में इतनी कम प्रगति यदि किसी योजना की हो, जबकि इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या खेतड़ी विधानसभा के अंदर पीने के पानी की है। जो इतना शानदार पूरे देश में मोदी जी ने चलाया, उस योजना को यहाँ की सरकार दबाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मोदी जी जो देश के लिए योजनाएं चला रहे हैं उनका लाभ जनता को मिल जाए तो मोदी जी की फिर वाहवाही हो जाएगी और उनकी पेट में दर्द हो जाएगा। साथियों, सड़क यहाँ मैंने आपको बता दी है। वन विभाग की यहाँ पे एक हमारी सरकार जो 2018 में थी उसने यहाँ पर खेतड़ी अभ्यारण्य के लिए एक बजट पास किया था, उसमें भी बड़ी धांधली सरकार ने पिछले 5 वर्ष में की है। शिक्षा में कल मैं पिछले कई दिन से गांव-गांव जा रहा हूं, जिस तरह से देख रहा हूं यहाँ के जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, जूनियर हाई स्कूल है, उनमें बच्चों की बैठने की व्यवस्था नहीं, उसमें शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल दोम दर्दे की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की सरकार ने बच्चों को देने का काम किया है। जबकि गरीब का बच्चा उन सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उनमें अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अपराध चरम सीमा पे जो मैंने आपको बता दिया है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में यहाँ के लिप्त है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो कॉपर की जो फैक्ट्री है, जिसको जो है कांग्रेस के एक मंत्री ने पिछले 10 साल से बिल्कुल खत्म कर दिया, आज जो है जिसमें 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलता था, आज वहाँ रोजगार नाम की चीज नहीं। मैं भी उस माइंस में घूमने गया था, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति का वो भेंट चढ़ गई है। तो ये सब समस्या इस क्षेत्रीय विधानसभा की है। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हर घर को शौचालय देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, विश्व की सबसे बड़ी योजना खाद्यान्न योजना, हर घर में खाद्यान्न उपलब्ध कराना हर महीने, ये बहुत बड़ी योजना है। पूरे देश में 80 करोड़ भारतीयों को जो गरीब लोग हैं उनके घरों में खाद्यान्न पहुंचाया जाता। पहले उस खाद्यान्न में लूट होती थी, अब
जो है मशीन के माध्यम से अंगूठा लगता है तभी खाद्यान्न मिलता है, और जो अंगूठा नहीं लगता वो खाद्यान्न वापिस सरकार के खाते में चल जाता है। ऐसी स्कीम हमारे मोदी जी ने चलाने का काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके उत्थान के लिए काम करने का काम किया, और तमाम योजनाएं, चाहे वो जो है हमारी रेलवे जो बजट है, रेलवे के जो प्लेटफार्म्स है जिसमें झुंझुनू के प्लेटफार्म को विश्व स्तर का बनाने का उन्होंने पास किया है, ये तमाम योजना, हाईवे, आज देख लो देश के अंदर हाईवे का जाल बिछा हुआ है, जहां चले जाओ हाईवे हाईवे हाईवे, ये हमारी सरकार ने देश में देने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश की प्रतिष्ठा देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और जो है किसानों की सम्मान निधि हो, किसानों का जो बजट पिछले 2014 में जितना होता था उससे बढ़ाकर इस बार बजट उन्होंने कई गुना अधिक कृषि बजट देश का करने का काम किया है। किसान सम्मान निधि दी, किसानों को जो है नीम कोटेड यूरिया दिया, किसानों को जो है नीम कोटेड जो है डीएपी दी, तमाम नौजवान बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया, और तमाम खेलों को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें नौकरी की व्यवस्था माननीय मोदी जी ने की है, और आज पूरे विश्व में भारत का नाम है खेल के लिए। और साथियों इसी प्रकार मध्यम वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाने का काम किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना में कार्ड देने का काम किया, सिलेंडर देने का काम किया, आयुष्मान भारत योजना, हर घर को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया और उससे गरीब का इलाज होता है। और उन्होंने मेडिकल कॉलेज जन औषधि केंद्र को खोलने का काम किया, इस बार काफ़ी संख्या में उसमें बजट उन्होंने बढ़ाने का काम किया, कई गुना उसको भी अब बढ़ा रहे हैं जिससे हर आदमी को जो है सस्ती दवाई मिल सके। इस तरह से आज भारत जो है विश्व शक्ति विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, बिल्कुल डुबो दिया है, और मोदी जी ने पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ये बेसिक अंतर है हमारी विचारधारा में। हम ये राजस्थान वीरों की धरती है, इस क्षेत्रीय विधानसभा में 16,000 पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक यहाँ पे निवास करते हैं, ये वीरों की धरती है। हमारी सरकार ने सैनिकों को भी का मनोबल बढ़ाने का काम किया, और मैं गांव में गया तो सैनिक बड़े उस भाव से कहते हैं कि मोदी जी आज हैं, मोदी जी को हमें, मोदी जी ने हमें ऐसी व्यवस्था दी है कि हमें अब दुश्मन से बदला लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, किसी बड़े अधिकारी का आदेश नहीं लेना पड़ता। मोदी जी कहते हैं यदि कोई एक गोली चलाए तो 10 गोली चलाकर जवाब देना, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, ये मजबूत नेतृत्व की देन है। इसलिए मेरा आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से यही निवेदन है कि इस ये जो राजस्थान की सरकार है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, छात्रों के विरोधी है, 19-19 पर्चे इसने लीक किए हैं। आप बताओ एक ही परिवार के एसडीएम बन गए, ऐसा हो सकता है, संभव है? नहीं संभव है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज छात्रों को, छात्र पढ़ने वाले छात्र अपने आप को छला महसूस करते हैं कि वो रात दिन मेहनत करते हैं, और जो पैसे वाला है, जो अधिकारी का बेटा है, नेता के परिवार का बेटा है, वो पर्चा लीक होने के बाद भर्ती हो जाता है, और जो रात दिन मेहनत करता है वो बच्चा घर रह जाता है। आज मेरे यूपी में आप चलिए, गरीब का बच्चा थानेदार बनता है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा एसडीएम बनता है, रेडी लगाने वाले का बच्चा तहसीलदार बनता है। ये सब सुविधा आज उत्तर प्रदेश में इसलिए है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे योगी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री है, और वहाँ कोई पर्चा लीक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई गुट नहीं है, भाजपा गुटों में नहीं है, भाजपा का अपना संगठन है, और यहाँ पे बहुत मजबूत जमीनी स्तर पर संगठन है, मंडल से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे सब यहाँ बने हुए हैं, और बहुत मजबूत संगठन है। हम बड़े भारी मतों से यहाँ से हम जीतने का काम करेंगे। लेकिन सर यहाँ सुना जाता है कि 4 व्यक्ति कैंडिडेट दावेदार हैं, लेकिन आपकी मीटिंग में हमने देखा कि एक ही व्यक्ति पहुंचता, 3 अलग अलग मिलते हैं, ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं, ये किसी के बाप की बड़कोटी नहीं। हमारा बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, और सर्वे के आधार पर हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व टिकट वितरण करता है। हम लोग, मैं यहाँ टिकट बांटने नहीं आया,
मैं यहाँ पे संगठन के काम के लिए आया हूँ और मैंने यहाँ के संगठन को देखने का काम किया, संगठन की रचना को देखने का काम किया। बहुत मजबूत यहाँ का संगठन है, जमीनी स्तर पर बिल्कुल धरातल पे हमारे मंडल अध्यक्षों ने, हमारे संगठन ने यहाँ काम किया और निश्चित तौर पर हम यहाँ जीतने का काम किया। सर, हमारा मतलब ये कि आपके चारों प्रतिनिधि एक साथ क्यों नहीं पाए जाते हैं, वो अलग अलग क्यों मिलते हैं? जैसे आपने मैंने कहा ना, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सर, एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आपने खेतड़ी की समस्याओं की बताया, खेतड़ी में सड़क टूटी हुई है, अस्पताल की स्थिति खराब है, पेयजल व्यवस्था खराब है, आपका मतलब कोई पार्टी, वो तो कांग्रेस वाले तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी विपक्ष की भूमिका में ही है, तो उसके लिए आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन आज तक आपके किसी ने केवल यदि संगठन से ऊपर से कोई आंदोलन आया तो आता, उसके लिए क्षेत्रीय समस्याओं के लिए आपके संगठन ने एक दिन भी आंदोलन नहीं किया, क्या कहेंगे? आंदोलन करना चाहिए और हम आंदोलन करेंगे इस क्षेत्रीय विधानसभा में। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जी जैसे आपने हॉस्पिटल की बताई, हॉस्पिटल में स्थिति यह है, गत 6 माह से हमने 10 बार मुद्दा उठा दिया, वहाँ जो एक मल्टीकल्चर मशीन होती है जो सभी जांचें होती हैं, गत 6 माह से बंद पड़ी है, यहाँ और जांचें नहीं हो पा रही हैं। उसके अलावा खेतड़ी में प्रवेश करने वाली, चाहे निजामपुर से खेतड़ी सड़क हो या खेतड़ी सिंघाड़ा से खेतड़ी सड़क हो, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मैंने आपको बताया सड़क नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है, और नहीं वो तो हम कह रहे हैं, लेकिन आपके संगठन ने क्या किया? स्वास्थ्य सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार बिल्कुल फेल है, सरकार को विपक्ष की भूमिका क्या निभाई आपने? हम करेंगे चुनाव के बाद, चुनाव से पहले करेंगे, बाद क्यों करेंगे? हम सब व्यवस्था, ये हमने सब व्यवस्था देख ली है, हमारी सरकार बनेगी, यहाँ चकाचौंध व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की चकाचौंध होगी, सड़कें। सर, अभी आपने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात की, यह तो केंद्र का उपक्रम है और यहाँ केंद्र में सरकार भाजपा की है और यहाँ सांसद भी भाजपा का है, फिर ये हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ? प्रदेश सरकार ने अभी हर घर जल योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए दिए, प्रदेश सरकार एजेंसी होती है, क्या उसने कर दिया उस काम को? प्रदेश सरकार नहीं चाहती कोई भी हिंदुस्तान को ऊपर की प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार कोई भी काम नहीं चाहती, जो अच्छा काम भारत सरकार करती है उसे करना नहीं चाहती। इसी प्रकार हिंदुस्तान कोपर जो है, इसमें इसका बेड़ा गर्क करने वाले कौन थे? आप यहाँ के स्थानीय हो, आप पत्रकार से पहले हम नेता, ये नेता है यहाँ, उससे पहले खेतड़ी के स्थायी निवासी है। मोदी जी खेतड़ी आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं यदि केंद्र में सरकार बनेगी तो मैं हिंदुस्तान को ऊपर किसी सुधारूंगा और मैं पुनः ही आऊंगा, उसके बाद उस बात को शायद भूल गए वो। अभी आए तो नहीं, वो पहले आए थे, आएंगे तो बिल्कुल करके आएंगे वो, उन्होंने जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। 2013 में जब चुनाव हुए तो उस समय 10 साल हो गए, अरे जैसे भी केंद्र सरकार आएगी सबसे पहले मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद में आके माथा टेक के जाऊंगा, और उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी तक खेतड़ी की तरफ उन्होंने मुंह करके नहीं देखा है। देखिए, देश बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होते हैं और इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। घोषणा की, सार्वजनिक घोषणा की बात करें सर, तो वो कई जो घोषणा करते हैं सब पूरा करते हैं। दूसरा एक मुद्दा, आपने पेट्रोलियम पदार्थ बोल रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे जब भाव फिक्स होते हैं तो बढ़ते हैं, जब तो बढ़ जाते हैं, घटते हैं जब, क्यों नहीं घटाए जाते भारत सरकार? भारत सरकार घटाती है, जब घटते तो घटाती है, जब बढ़ते बढ़ाते हैं, एक साल से तो कोई नहीं, नहीं जब वो समय समय पर घटाते बढ़ाते रहते हैं। सर, एक क्वेश्चन लोगों में पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि हमारे संगठन एकजुट है, हमारे कार्यकर्ता एकजुट है, ये सत्यता है, खेतड़ी में कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है और सबकी भावना भी है, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजस्थान में जब जनसंघ की 2 सीटें आती थी, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत और मालाराम जी, उसके बाद में 9 चुनाव हो गए, लेकिन केवल एक बार भाजपा जीत पाई है 2003 में, उसके अलावा हर बार और उसके आगे 6 माह बाद चुनाव आते हैं लोकसभा के, यहाँ से भाजपा 40,000 की लीड देखी जाती है, जबकि कार्यकर्ता में जो से गाँव गाँव में हर कार्यकर्ता आपकी बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को लाएंगे, फिर बाद में क्या स्थिति हो जाती है? देखिए, इसलिए ही योगी बाबा के विधायक को यहाँ भेजा है कि ये सीट हम लोग जीत के जाएंगे, ये इन सब परिस्थितियों का, इन सब बातों से पार्टी अवगत है, इसलिए यहाँ योगी बाबा के विधायक को भेजा गया। सर्वे में खेतड़ी को कमजोर सीट क्यों मानी जाती है? कौन कह रहा है कमजोर है खेतड़ी से? किसने कहा खेतड़ी से मजबूत सीट? तो मैं नहीं मानता कोई हो, ये 20 सीटें आ रही है सर,
नहीं नहीं कोई कोई सर नहीं खेलते हम जीतेंगे 68% में लोकसभा में सीट वोट भी लिए हैं। नहीं हर बार ये होता है सब कार्यकर्ता में उत्साह होता है हर वोटर में उत्साह होता है वोट बीजेपी को देंगे और फिर बाद में आ जाते हैं। देखो हर चुनाव की अलग अलग परिस्थिति होती है समीकरण होते हैं। इस बार हमारी परिस्थिति है हमारे समीकरण है हम जीतेंगे। कौन सा जो फीडबैक देखो सारी बातें आज सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे आपके बिना कुछ नहीं है मीडिया के बिना कुछ नहीं हमारे पास है।